दतिया में देश का प्रसिद्ध पीताम्बरा देवी मंदिर शक्तिपीठ पर भक्तों का आज सुबह से ही आना जाना लगा रहा। आज से शारदीय नवरात्र प्रारंभ हो गए। नवरात्रि के पहले दिन जहां घरों में माता के भक्तों ने देवी स्थापना की, तो वहीं सुबह से ही देवी दरबार में भक्तों का पहुंचना शुरू हो गया। दतिया में आज मध्य प्रदेश के जल संसाधन मंत्री तुलसी सिलावट ने माँ पीताम्बरा देवी के दर्शन कर पूजा अर्चना की और वन खंडेश्वर महादेव का जलाभिषेक भी किया। आपको बता दें, पीताम्बरा मंदिर पर विराजमान देवी राजसत्ता की देवी हैं, भक्तों को राजसत्ता दिलवाती हैं। यही वजह है कि इस मंदिर पर राजनीति में उच्च पद हासिल करने की विनती के लिए शीर्ष तक के नेता दिखाई दे जाते हैं। की स्थापना पूज्यपाद ने राष्ट्र कल्याण और जन कल्याण के लिए की। जो भी भक्त यहाँ माई के दरबार में नवरात्रि के पर्वों में, विशेष भगवती के दिन होते हैं उसमें, या कभी भी जो भी माई के दरबार में आके साधना करता है, अपनी सच्चे मन से जो प्रार्थना करता है, भगवती उसकी मनोवांछित कामना पूर्ण करती है। पूज्यपाद ने ये राष्ट्र कल्याण के लिए बनाया। वर्तमान में देश में विधर्मी लोग हिंदू धर्म को भ्रष्ट करने, हिंदुओं को पदभ्रष्ट करने के लिए धर्म स्थलों पर को भी नहीं छोड़ रहे हैं। तिरुपति बालाजी में इस तरह का जो प्रसाद का वो हुआ है, ये भी एक बहुत दुखद है। और मैं तो समस्त सनातनियों से यही कहूँगा, निवेदन करूँगा कि सामर्थ्य के अनुसार अपने घर का ही प्रसाद लगाएं, या जहाँ पर शुद्ध मिलता हो वहाँ प्रसाद लगाएं। माई के